हेलो स्टूडेंट्स, आज आप अध्ययन करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकल। आपकी एक्सरसाइज चल रही है 7.11। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, -5 to 5 मॉड x plus 2 dx। मॉड को फुल फॉर्म में कहते हैं मॉडुलस। मॉडुलस का हिंदी में अर्थ होता है मापांक। अब आइए थोड़ा सा या इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होते हैं, तो आइए समझा जाए इसका। यदि पहला नंबर, यदि यदि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तब मॉड x इज इक्वल टू x। दूसरा नंबर, यदि x इज लेस देन 0, तब मॉड x का मान क्या होता है, माइनस x। अब मॉड x में क्या है, मॉड x को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड x को आप लिख सकते हैं मॉड x माइनस 0। अब मॉड x माइनस 0 आप लिख रहे हैं, यहां देखिए 0 से तुलना हो रही है। यदि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो मॉड x का मान क्या होता है, x होता है। यदि x इज लेस देन 0, तब मॉड x का मान होता है माइनस x। यदि आप यहां पर आप नहीं जानते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब जो है यहां पर देखिए, तुलना करिए कि यहां पर मॉड x के स्थान पर हम क्या लिखें, x माइनस 0। इसका मतलब 0 से तुलना हो रही है। अब यहां पर क्या है, x प्लस 2। तो इसको सॉल्व करने के पहले आइए विचार करें, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसको लिख सकते हैं इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू माइनस 2। इसका मतलब इसी पर हमको विचार करना है। अब ध्यान दीजिए कि यदि 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 x इज ग्रेटर देन माइनस 2, तब लिखेंगे मॉड x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2। यदि x इज लेस देन माइनस 2, तब आप लिखेंगे मॉड x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2। इसको आप ऐसे लिखेंगे जैसे इसको अभी बताए हैं, इसी के अकॉर्डिंग ऐसे लिखा जाएगा। यदि पहले क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन है अगर मापांक में, तो उसको 0 के बराबर रखते हैं। तो इसमें माइनस 2 आ गया, कभी प्लस 2 आएगा, कभी माइनस 3 आएगा, जो भी आए। तो ग्रेटर देन लगाएंगे तो वह प्लस में आएगा मापांक का मान, लेस देन लगाएंगे तो वह माइनस में आएगा। बस इतना ही ध्यान देना है, इतना अगर ध्यान दे देंगे तो यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो इसको आप लिखेंगे -5 to 5 मॉड x प्लस 2 dx इज इक्वल टू, लिख सकते हैं -5 to -2 माइनस x प्लस 2 dx प्लस लिखेंगे -2 to 5 मॉड, इसको लिखेंगे कोष्टक में, इसको लिखेंगे आप x प्लस 2 dx। अब यह कैसे लिखा जा रहा है इसको आपको बता, प्रॉपर्टी 3 पढ़े हैं, प्रगुण 3। प्रॉपर्टी 3 आपकी क्या है, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिखते हैं a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू बी एफ एक्स डी एक्स। यही आपकी प्रॉपर्टी क्या है, 3 है। इसी प्रॉपर्टी 3 के माध्यम से हम इसको लिखे हैं। अब जो है कि विचार करिए कैसे हम लिखे हैं।
अब इसमें देखिए लोअर लिमिट माइनस फाइव है, अपर लिमिट क्या है माइनस टू है, तो यह ऋण पांच और ऋण दो के बीच में है, तो इसका अर्थ हुआ ऋण दो से जब कम होगा तो मॉड यक्स प्लस टू किस में कन्वर्ट होगा, माइनस कोष्टक में लिखा है आपका यक्स प्लस टू, तो यह आपका हो गया। तो यहां पर देखिए माइनस यक्स प्लस टू लिखे, माइनस टू टू फाइव यक्स प्लस टू डीएक्स, ऋण दो और पांच, तो ऋण दो से क्या इसमें देखना है या लोअर लिमिट है या अपर लिमिट, इसका मतलब इसमें वैल्यू जो है ऋण दो से क्या हो रही है अधिक हो रही है, क्योंकि इसमें लोअर लिमिट आपका माइनस टू है, तो जब अधिक होगा यक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू तब हम लिखेंगे मॉड यक्स प्लस टू इज इक्वल टू क्या होगा आपका यक्स प्लस टू होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं, और यह प्रॉपर्टी कौन सा यूज हुआ है, प्रॉपर्टी आपकी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को आप लिखते हैं ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, इस प्रॉपर्टी के माध्यम से इसको आप क्या कर लिए लिख लिए। अब इसको आप सॉल्व करिए तो हो जाएगा आपका माइनस फाइव टू फाइव मॉड एक्स प्लस टू डी एक्स इज इक्वल टू, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है माइनस को बाहर कर लीजिए, अब इसको आप लिखेंगे, अब यक्स का इंटीग्रल क्या होगा, यक्स टू दी पावर एन का फार्मूला लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर अपान टू, और टू डी एक्स तो क्या हो जाएगा इसका डी एक्स का क्या होगा यक्स होगा, तो क्या हो जाएगा टू यक्स, और लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा दीजिए माइनस फाइव टू माइनस टू प्लस, अब जो है कि इसका यक्स का क्या होगा आपका हो जाएगा यक्स स्क्वायर अपान टू, यक्स टू दी पावर एन का फार्मूला क्या होता है यक्स साइन ऑफ इंटीग्रेशन यक्स टू दी पावर एन डी एक्स को लिखते हैं यक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, ये आप पढ़े हैं। अब टू डी एक्स तो क्या हो जाएगा आपका टू यक्स, और यहाँ पर और अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान लिखेंगे माइनस टू टू फाइव। अब क्या करेंगे कि अब इसमें पहले क्या करेंगे कि पहले अपर लिमिट का मान रखेंगे, जो वेरिएबल होगा वही इफेक्ट में आएगा, जो चर राशि होगी वही उसमें मान रखेंगे, फिर उसके बाद ऋण चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या करेंगे लोअर लिमिट का मान रखेंगे, इसमें भी क्या करेंगे पहले अपर लिमिट का मान रखेंगे फिर लोअर लिमिट का मान रखेंगे। तो अब इसमें केवल वैल्यू क्या करना है पुट करना है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, पहले लोअर लिमिट का मान रखा जाए, पहले अपर लिमिट का मान रखेंगे फिर उसके बाद लोअर लिमिट का मान रखेंगे। माइनस फाइव टू फाइव मॉडुलस एक्स प्लस टू डी एक्स, इसको शॉर्ट में मॉड पढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं अभी बताया पहले अपर लिमिट का मान रखेंगे, जहाँ पर वेरिएबल होगा वहाँ पर मान रखेंगे, फिर उसके बाद लोअर लिमिट का मान रखेंगे, ऋण चिन्ह लगा देंगे यार। तो ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले आप अपर लिमिट का मान रखिए, तो माइनस टू का होल स्क्वायर अपान क्या हो गया टू प्लस टू इंटू माइनस टू, फिर यहाँ पर अब इस लोअर लिमिट रखने पहले माइनस लगा देंगे क्या हो जाएगा माइनस फाइव का होल स्क्वायर अपान टू प्लस टू इंटू माइनस फाइव। अब तो इसका मान आप लिख लिए, अब जो है कि देखिए सेकेंड पार्ट है तो यहाँ पर आप रखेंगे प्लस पहले अपर लिमिट का मान रखिए, तो फाइव स्क्वायर अपान टू प्लस टू इंटू फाइव, अब लोअर लिमिट का मान रख रहे हैं पर माइनस लगाएंगे, तो माइनस अब लिखेंगे माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर अपान टू, फिर यहाँ पर टू एक्स है तो फिर लिखेंगे प्लस टू इंटू माइनस टू। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ये सॉल्व किया जाए माइनस फाइव टू फाइव मॉडुलस एक्स प्लस टू डी एक्स। अब जो है कि देखिए माइनस टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, तो
दो दो ना चार, तो इसका मान क्या हो गया, दो हो गया। तो माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे दो, आया क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्ट क्या हो जाएगा, माइनस फोर। अब इसको इसका प्लस होगा तो पच्चीस बटा क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, तो हो जाएगा ऋण पच्चीस बटा दो, ऋण पच्चीस बटा क्या हो गया, दो। अब यह क्या हो जाएगा, दो गुणे ऋण पांच, ऋण दस, ऋण दस धन। अब इसका मान पच्चीस बटा क्या हो गया, दो हो गया, पच्चीस बटा दो, अब दो पचे दस हो गया। अब जो है कि देखिए, ऋण दो का वर्ग धन चार होगा, तो दो दूना चार तीन, धन दो होगा लेकिन यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस टू। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें जो है कि माइनस चिन्ह लगाए हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट आपका रहेगा, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट रहेगा। तो अब जो है कि देखिए, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यह धन जो है ऋण हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऋण चार है तो क्या हो जाएगा, धन चार हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी एक कर्ली ब्रैकेट आप लगाएंगे, तो अब देखिए या तो धन हो गया, धन में ऋण का गुणा होगा तो यह ऋण हो गया। अब दो पचे दस, ऋण दस, ऋण में ऋण का गुणा होगा धन, तो यह क्या हो जाएगा, धन दस हो जाएगा। अब देखिए, 25 बटा 2 से 25 बटा 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया। एक चीज ध्यान दीजिए, कैंसिल अभी नहीं होगा क्योंकि अभी मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट में। यहां पर देखिए, यह हो जाएगा, इसका मान धन 2 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा ऋण 4, यह क्या हो जाएगा 25 बटा 2, तो ऋण 25 बटा 2, दो पचे दस ऋण दस, तो क्या हो जाएगा, धन दस। अब यह हो जाएगा 25 बटा 2 या दो पचे दस, आ देखिए यह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, दो दूना चार ऋण 4, और ऋण में ऋण का गुणा करेंगे धन 4। अब जो है देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 5 × 5 मॉड एक्स प्लस 2 डी एक्स। अब जो है क्या होगा, देखिए इसके अंदर साल पे 10 × 2 = 12, 12 में 4 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो माइनस से पूरा कर देंगे तो हो जाएगा आपका -8, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 25/2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए, 10 × 4 = 14 में से 2 जा 12, 12 हो गया, तो इसको आप लिख दीजिए 12, पहले इसको लिख दीजिए 25/2, आया क्या हो जाएगा 12। अब देखिए 12 में से 8 घटाएंगे क्या हो जाएगा 4। अब जो है कि आपका 25/2 25/2 हर समान है, तो अंश को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 25 × 25, तो हो जाएगा आपका 4 × 4। अब यह क्या हो जाएगा, 50/2, तो क्या हो जाएगा आपका 2 × 1 = 2 25 हो गया, तो 4 × 25, 4 × 4 क्या हो गया आपका 25। तो आप इसको लिख सकते हैं -5 × 5 mod x plus 2 dx, इसका मान क्या हो जाएगा 29, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन आए तो आपको यह याद रखना पड़ेगा कि यदि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तो माड यक्स का मान क्या होता है, यक्स होता है। यदि यक्स इज लेस देन 0 तो माड यक्स का मान क्या होता है, माइनस यक्स। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको आप लगाएंगे। इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, सेम क्वेश्चन है, प्रक्रिया सेम रहेगी, केवल अंक यहाँ पर चेंज रहेगा लेकिन प्रक्रियाएं बदलेंगी नहीं। तो जो भी इस मॉडुलस के अंदर दिया रहता है उसको पहले बराबर 0 के रूप में रखेंगे और इसमें प्रॉपर्टी 3 का प्रयोग करेंगे। प्रगुण 3 क्या, a टू b एफ एक्स डी एक्स बराबर a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स, उस प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे। ऋण 2 से जब कम होगा, x इज लेस देन माइनस 2, तो मॉड x प्लस 2 का मान होगा माइनस x प्लस 2। यहाँ पे देख रहे हैं ऋण 2 से 5 है, तो यह लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है। ऋण 2 से जब अधिक होगा
यक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू, तब माड यक्स प्लस टू का मान क्या होगा, यक्स प्लस टू। और सेम प्रक्रिया आप जानते ही हैं, इसको लगाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 29।